मुझे नहीं पता यार आपका दिल करता है कि नहीं यार, किसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दिल पे पत्थर रख के करें, आंखें बंद करके बस किसी तरह वो लाल बटन है उसको टच करें। गर्मी भी यार आज आप लोग चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा है। ऊपर से अपने घर वाले भी बाहर ही नहीं निकलते। लो जी लो, इधर बैठ के लीचियां खानी है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अरे मेरे घर वाले जो ये लीची के बड़े फैन है, जितनी भी लीचियां आई हो ना ये सारी खत्म कर देते हैं। ये देख सकते हैं जो मैं नया वाला घर बना रहा हूँ ना, उस घर में टोटल 6 वॉशरूम है और 1 सर्वेंट क्वार्टर, मतलब हमारे 7 वॉशरूम हो गए। इसके अलावा 3 हमारे पाउडर रूम है। चेक साफ का वॉशरूम रह गया। वो मैं अच्छी तरह देख के लूंगी। अभी ये लीचियां खा लेना, उसके बाद हम निकलते हैं। सुंदर साथे भी यार पानी ले आना। गाइस यार मालूम है पाकिस्तान के हालात मुश्किल चल रहे हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है गाड़ी के नीचे आके मरने का। निकलो भाई मेरी गाड़ी के नीचे से वापस। एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू यार। वो इधर से गई है, वैसे नहीं निकली। तो इस बिल्ली को अपनी गाड़ी के निकालने के नोट पे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इस नोट पे स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। जितने भी स्टोर्स पे अभी आज देखने जाएंगे ना, इस पे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जिस दिन बाकी 3 बाथरूमों की टाइल ली थी ना, लेकिन फिर से इधर ही देख रहे हैं कि शायद कुछ और अच्छा लग जाए। यार अभी मामा पसंद कर रही हैं क्योंकि मेन एक मामा और सनम के वॉशरूम की टाइल्स रहेगी। इस तरह की यार सोच रहे हैं कि किसी वॉशरूम में करवा लें। कोई पसंद आ रही? अच्छा लगा। जो थोड़ा सा पसंद भी आ रहा था, जो रेट उससे पूछा था, तो वो मार्केट में भी इसी कंपनी की टाइल्स होती है, लेकिन जो कंपनी का अपना शोरूम है ना वो महंगा दे रहे थे। मैंने उसे कहा यार मार्केट में ये तो सस्ती मिल रही है, तो कहते हैं हम मार्केट में बी क्वालिटी देते हैं, इधर हमारे पास एक क्वालिटी होती है। मुझे पता झूठी बोल रहा था। बेसमेंट के जो सारे हमारे हैं ना बाथरूम, उसमें किसी के हमारे पास मेजरमेंट नहीं है। मैं कहा आके पहले मेजरमेंट वगैरह ले जाऊँगा। जी यार बेसमेंट का छोटा पाउडर रूम है, इसकी मेजरमेंट लेनी है, और पीछे 2 उधर बेडरूम से उनकी भी मेजरमेंट लेनी है। इसको ये जो है ना इसको पूरा आगे तक। हाँ बस ठीक है, तकरीबन 8 फुट बन गया। बेसमेंट का दूसरा वॉशरूम है, इसकी लेनी है अभी। ये लें, पूरे घर की अब मेजरमेंट पूरी होगी। खाना गाइस आ चुका है। मामा और मैंने अपने लिए चिकन टिक्का मंगवाया, साथ कढ़ाई मंगवाई, और संतोष ने रोल पराठा मंगवाया। खाना खा के थोड़ी थकावट सी हो गई है। शेख साहब भी खाना खा के थक गए। यही पता चले आज के दिन में कुछ खरीदे ना, तो खा पी के वैसे ही वापस चले यार। इसके बाद हमारी एक होटल जो पहले खरीदी हुई थी ना, वो भी घर डिलीवर हो रही है, उसको भी मैंने मतलब घर में उतरवाने जाना। ये भी एक और स्टोर पे यार आके देख रहे हैं। सुंदर आगे जाके देख लो, तुम दिखा रहे हैं काफी टाइल्स, लेकिन यार कुछ पसंद नहीं आ रहा। अभी कुछ पसंद नहीं आ रहा है इन्हें, कोई मजे की नहीं लग रही टाइल। असल में करना मिक्स एंड मैच ही पड़ेगा। क्या हिसाब है मैडम? आपको 3,075 रुपए के हिसाब से स्क्वायर मीटर मिलेगा। ये यार नीचे वाली इन्हें थोड़ी पसंद आ रही है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि करवाएं या ना करवाएं। असल में इधर ये पीछे बाथरूम में लगी हुई है ना, तो इधर ही अच्छी लगती है। ये देखें ये लगी हुई है, तो ये इन्हें पसंद आ रही है। यार मैं कह रहा हूँ असल में इधर तो ये चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन हमने ये बेसमेंट में लगवानी है, तो मैं कह रहा हूँ बेसमेंट में ये लग के ज़्यादा डार्क शार्क ही ना हो जाए। मामा का ये टाइम वेस्ट ना करो, तो बेसमेंट के किसी बेडरूम के लिए वो टाइल ले लो, उसके लिए ये फ्लोर टाइल अभी मैच कर रहे हैं कि कोई अगर फ्लोर टाइल भी मिल जाए यहाँ से। शावर एरिया का फ्लोर ये हो गया, पूरे बाथरूम का फ्लोर वो वाला हो गया, और दूसरा जो यार पीछे वो ब्राउन वाला दिखाया था ना उधर, वो कर दिया पूरे बाथरूम का। ये सारा यार रूम का साइज वगैरह लिखा हुआ है, तो अभी बस बिल वगैरह करवा रहे। आपके कमरे की अभी तक टाइल कोई नहीं मिली फिर? नहीं हमारी नहीं मिली, और सनम की भी रह गई। उसके अलावा 4 बाथरूम और हैं, एक मुश्किल मिलता है। बचा उधर वो टाइलें हैं, वो घर आके ड्रॉप करने उधर जा रहा हूँ, पहले रिसीव करने, तो देखेंगे अगर टाइम बच गया तो फिर आज देखेंगे वो टाइलें। टाइम नहीं, क्योंकि यार रात को गए हमने उधर एक खाने पे भी जाना है, बर्थडे है किसी की, तो मेरे ख्याल लेट हो जाएंगे, तो आज के लिए चलो एटलीस्ट एक बाथरूम की तो टाइलें आ गई। हाँ भाई जान इधर ही बस अंदर, ये सामने उतरवा दें। ये सारी वो छोटी वाली टाइलें भी आ गई ना जो ली थी पहले। अभी वो टाइलों वाले जैसे ही टाइलें रख के गए ना, तो मैंने कहा एक ब्लॉक के लिए डब्बा खोल के चेक करता हूँ। मैंने आज तक कभी कोई टाइल का डब्बा ही नहीं खोल के चेक किया। वो जैसे ही पहला डब्बा खोल के चेक किया यार, उसके अंदर तकरीबन सारी टाइलें टूटी हुई। वो मैं भाग के उधर टाइलों वालों के पास लेके गया, मैंने कहा यार ये टाइल बदल गया, तो ये क्या खराब टाइलें भेजी हैं? तो उन्होंने कहा कि सर गाड़ी अभी उतरी है, आप एक काम कर दें कि जितनी भी टाइलें आपको आई हुई है ना, ये सारी आप चेक कर लें कि कोई टूटी है कि नहीं, तो हम बाकी लाहौर वापस भेज दें। ये शेख साहब चेक कर रहे हैं ठीक है कि नहीं, पास करें या पास है कि नहीं। कैसे पता चलता है टूटी हुई है? यार ये जिस तरह ये डब्बा खोले ना, ये देखें, ये देखें, ये जिस तरह ये टूटी हुई है, तो ये डैमेज है। नहीं कोई भी टूटी हो सकती है। ये टाइलें चेक करें यार, सही छोटी स्टाइलिश है, एक एक करके ये टाइलें लगेंगी तो ये सारी ऊपर तक जाएंगी। ये सारे डब्बे ठीक है, ये 3 डब्बे सारी अंदर से टूटे हुए हैं,
ठीक है भाई, क्वालिटी मैनेजर ठीक काम किया आपने, तुमने काम ठीक किया। गलत प्रोडक्ट है ये। मेरे घर में शेख साहब पहली दफा हाथ धो रहे। हम लोग जा रहे हैं सुंदर की हैप्पी बर्थडे करने, असल में कल सुंदर की बर्थडे है, तो अभी हमने कहा कि इसके लिए कोई बर्थडे शेयरडे का डिनर वगैरह करने जाएं। बिल्कुल हाँ, तुम्हारी बर्थडे भी जा रहे हैं। गिफ्ट भी जो इसकी बर्थडे का है ऑलरेडी ये कनाडा से लेके आई हुई है, लेकिन ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगी कि तुम मुझे कल दोगे ना फिर। ये मतलब मैं इसको दे रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि इसने ऑलरेडी उधर से खुद लिया हुआ मेरी तरफ से, लेकिन होगा ये कि मतलब मैंने इसको सरप्राइज दिया। इंस्टाग्राम लाइव क्या पता कोई नया गिफ्ट आ जाए सरप्राइज। नया गिफ्ट किस तरह आएगा, वही है जो तुमने लिया हुआ कसम से, उधर से बैग लिया हुआ जाके आपको। और कोई नहीं, रात को केक आएगा, रात को केक भी भाई इसके साथ ही लेके जाएंगे। इसको पता था कि अगर गाइस मैं इधर से इसको गिफ्ट देता ना, तो मैंने इसको एक गाड़ी का परफ्यूम या सफायर का दे देना, तो इसने कहा उसे बेहतर है कि मैं खुद ही जाके वो ले आऊं। और तुम्हारा गिफ्ट भी रेडी है, वो भी तुम्हें पता है कौन सा है। वो तो मैंने ऑलरेडी जूते पहन लिए, तुमने एटलीस्ट मेरा बैग तो नहीं पहना। अब तुम भी मेरे एक सरप्राइज गिफ्ट रखो हसन। अब तो टाइम ही कोई नहीं रहा, दो घंटे रह गए बर्थडे में। कल वो तुम्हें टाइल्स खरीद के दूंगा ना। वो पहले जो टाइल्स खरीदी है तुम्हारी खरीदी हुई है। कल गाइस हमने फिर से जाने टाइल्स लेने, दो शेख साहब भी आ गए उधर पीछे, पापा भी आ गए, तो ब्लॉग को बंद करना पड़ेगा। उसकी बर्थडे पे हम पहुंच गए, लेकिन थोड़े से गेस्ट वगैरह अभी रहते हैं, पापा को भूख लग रही थी, इस वजह से पापा ने पहले ही खाना खा लिया। और सुंदर भाई बर्थडे की मैंने अरेंजमेंट ठीक किया ना, गाइस वो चेक कर सकते हैं। सुंदर सा केक वैसे आया हुआ है बर्थडे का, हमारा केक आ गया। कार्ड बच्चे छोटे बच्चे हैं ना, इस वजह से कार्ड हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो उधर हैप्पी बर्थडे वगैरह शुरू हो गया है। तो लेकिन सुंदर का दिल बहुत बड़ा, उसने बच्चों को दे दिया केक काटने के लिए। तो हाँ, इसका बाद में केक काटेंगे। पहली बर्थडे इस तरह की है जिसके अंदर सुंदर की बात नहीं हो रही, लेकिन बर्थडे किसी और को विश हो रही है। खाने में मैंने बिरयानी और चिकन बोटी ली है, सुंदर भी खाना लिया ये बिरयानी सैलेड बोटी। हाँ चलो बर्थडे खा सकती हो, दिल खोल के खाओ। मैं जो है ना कहीं भी बुलाती है ना, इस वजह से बुलाती है कि एक बच्चा मुझे पकड़ा देती है, एक बच्चा अपनी माँ को पकड़ा देती है, तो मतलब शेख साहब को पकड़ा देती है, खुद आराम से इधर बैठ के गप्पे मारती है। क्या मसला है भाई, अपनी माँ को बताओ, इसको मुझे क्या हो रहा है। हाँ क्या हुआ था, संभालो तो सही, बेटे को तो पहले पता लगेगा क्या हुआ था बेटे को। रात को आने, वो उसके बर्थडे का केक काटेंगे। मैचिंग की हुई है दोनों ने, दोनों मैचिंग करके आते हैं शादी के बाद से, जब से एक कहीं पे डिनर शिनर पे आते हैं तो मैचिंग में आते हैं। हमें देखे हमारा पार्ट, वो उधर बैठा हुआ बेंच पे बैठा हुआ और हम इधर झूले ले रहे। ये केक है यार, अभी सुंदर के लिए लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। मजे का मैंगो केक है। वैसे तो मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिया था, लेकिन ये भी रख लो। थैंक यू यार, थैंक यू यार। इतना मेरे को खर्चा हुआ ऐसा। बस यार दिल बहुत बड़ा मेरा। तो लग रहा है मैंने इसके लिए और भी कोई गिफ्ट वगैरह लिया हुआ है। लग रहा है सरप्राइज होगा कोई। सरप्राइज क्या, तुम्हारे कहने पे तुम्हें बैग मिला हुआ है। उसके अलावा कुछ नहीं है भाई, वही है। मैं डिजर्व करती हूं। बस यार कल मिलेंगे, कल हम जाएंगे टाइल्स लेने, इसको टाइल्स को गिफ्ट करेंगे। 346 मिनट्स लेटर। गाइस इसकी बर्थडे है आज, बहुत ही खुश है। हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ऑसम ह्यूमन, हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो आओ पे टाइल लेके दूं। आज यार गर्मी बहुत ही ज्यादा है यार। मामा किसी और कमरे की मिले ना, मेहरबानी करके अपने कमरे की खरीद ले। एक जगह पे हमने अपनी टाइल्स डिजाइन करने के लिए दी हुई थी, उससे वो डिजाइन फाइनल करने आए। ये चेक करें यार, जिस तरह टाइल्स पे डिजाइन पे काम हुआ है ना, मतलब हमने अपनी ये जिस तरह व्हाइट वाली टाइल है ना, हमने अपनी ये वाली टाइल ही नहीं दी हुई है, ये इस तरह का डिजाइन, मतलब ये हमारा डिजाइन नहीं है, मतलब हम अपना डिजाइन देंगे ना, वो ये ऊपर मतलब वाटर जेट से काटेंगे तो उसे बना देंगे। हमारी जो टाइलें हैं ना, वो पानी के प्रेशर से ये लोग काटते हैं, और उसके ऊपर ये दूसरी टाइलें वाटर प्रेशर से काट के ऊपर वो पेस्ट होती जाएंगी। ये सारी चीज़ें मतलब ये हमारी ओरिजिनल टाइल है, ये इसी तरह डिज़ाइन में इसको काटते हैं, और ये इसके अंदर उसी तरह लगती है कि एक ही टाइल बन के। हमारा डिज़ाइन जो है ना वो फाइनल हुआ है, बस हमने ये कलर चूज करने टाइल देखे कि हमें कौन से कलर्स अंदर चाहिए। जो टाइल्स का डिजाइन वगैरह था ना, तो वो सुंदर ने सारा अपने हिसाब से करवा लिया, जो हमने करवाया था सुंदर ने सारा चेंज करवा दिया, तो इस वजह से ये सुंदर का ऑलरेडी बर्थडे गिफ्ट हो गया। तो बस यार अब कुछ फिर से आपको पता तो है, अब यार असल में हमें फिर से भूख लग गई है, तो अभी पहले कुछ खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर मामा की यार टाइलें लेके खत्म करते हैं।
ये आप पाउडर रूम में कह रहे हैं कि ब्लू सी कर दो और एक उधर और मामा को पसंद है ये वो गेस्ट रूम के लिए, एक कह रहे हैं ये ब्लैक सी कर लो, बेटा ये है या वो है, वो है वो है, ये वाली कह रहे हैं ये वाला। फाइनली गाइस दो बाथरूम हमारे और पूरे हो गए, इसके बाद अब चार बाथरूम रह जाएंगे। अब लास्ट ओवर में भी टाइल्स वगैरह पसंद आ गई हैं ये वाली, और ये बिल्कुल ही फारे हो गए। संदोष ने मुँह ही उधर काट लिया, लग रहा है संदोष की बर्थडे कोई नहीं है। वॉशरूम की फीचर वॉल और साइड वॉल्स हो चुकी हैं, बस फ्लोर रह गए, बस वो लेने गए हैं फ्लोर वगैरह रख के आपको चेक कराए थे, अगर पसंद आया तो इधर से एक और बाथरूम पूरा हो जाएगा। आर्किटेक्ट फारे हो गए, बहुत मुश्किल जॉब है भाई, बहुत मुश्किल जॉब है। ये फीचर वॉल है, ये बाकी तीन दीवारों पर लगेगी, और ये जो ऊपर रखी है ये वाली जो है ये फ्लोर टाइल होगी। लो जी लो, लो जी लो, आधा घंटा जाया हो गया जी, आधा घंटा यार, आधा घंटा सारा कर लिया, सारी चीजें पसंद आ गई। तकरीबन बिल तक जब बात पहुंची ना, उस बंदे ने भी बिल्कुल एंड में जाके स्टॉक चेक किया, कहता है सॉरी सर ये वाली तो अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद जब एक जगह पे शेख साहब का दिल बैठ गया था फिर क्लोज टू इम्पॉसिबल ही हो गया था मिलना, तो इस वजह से यार अभी कोई टाइल मिली नहीं। अब वो उस पिछले वाले स्टोर से जो इन्हें थोड़ी महंगी अच्छी लग रही थी ना, मैंने कहा अब वही लेके बस ख़त्म करें, बस इससे ज़्यादा अब और नहीं घूमना, दो दिन तो हो गए, तीन दिन हो गए सॉरी घूमते घूमते। तो बस शेख साहब के लिए वो लेने जा रहे हैं, और सनम के रूम की रहेगी उसका भी कोई हिसाब लगाते हैं। तो भाई इस नोट पर हम एंड करते हैं आज का व्लॉग, किसी और व्लॉग में दिखा दूँगा अगर टाइल आज मिलती है कि नहीं मिलती। तो अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके okay?